Aditi and welcome back to our channel Aditi GS Center. So here we are welcome back with our chapter that is Mass Media and History. This chapter is of 10th standard and its subject is History. So this chapter consists of altogether 5 points and here are the 2 points mentioned. So first of all we will going to start with our first point that is Introduction to Mass Media. So mass media contains two words. Mass means the aggregation of people and media means various modes of communication. तो mass media में दो प्रकार के शब्द शामिल होते हैं. Mass का मतलब है लोगों का एकत्रीकरण और media का मतलब है संचार के विभिन्न प्रकार. Thus mass media is the field of mass communication. We can easily send some information to a far away destination with the help of communication. And the news would spread among the people in the olden days by the word of mouth. तो ऐसे ही हम किसी भी दूर तक फैले हुए क्षेत्र तक आसानी से जानकारियाँ पहुँचा सकते हैं संचार के माध्यम से. सो दिस इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया. दैट पॉइंट हैज़ बीन गेट कंप्लीटेड. नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर सेकेंड पॉइंट दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. सो द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड द न्यूज़ पेपर्स वेर स्टार्टेड इन द इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश. पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़ पेपर्स. Newspapers became the first mass medium of circulating knowledge and information among the people. तो ब्रिटिश के आगमन के बाद भारत में मुद्रित तकनीक और समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी और लोगों में समाचार पत्र जो था वो ज्ञान प्रदान करने का और जानकारी प्रदान करने का सबसे पहला माध्यम बन गया था. सो हियर द सेकेंड पॉइंट कंसिस्ट ऑफ द दिस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द पॉइंट्स वी विल लर्न आफ्टर वन आफ्टर अदर. एंड फर्स्ट वन इज अबाउट न्यूज़पेपर्स. सो न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स द पीपल्स ओपिनियंस एडिटोरियल्स वेरियस कॉलम्स एंड अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट. इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ डेफिनेट टाइम. तो समाचार पत्र जो होता है ये एक प्रकाशन होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के खबरें शामिल होती है और इसे निश्चित तौर पर नियमित रूप से प्रकाशित और वितरित किया जाता है. न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़. न्यूज़पेपर इज़ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड्स द करेंट इवेंट. तो समाचार पत्र हमें स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रदान करता है. ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो वर्तमान के जो कुछ न्यूज़ होते हैं खबर होती है उसे रिकॉर्ड करके रखता है. सो दिस इज़ अबाउट अवर द न्यूज़पेपर पॉइंट विच हैज़ बीन गेट कम्प्लीटेड. हियर आर सेकेंड वन अवर पॉइंट दैट इज़ बंगाल गैजेट. सो द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड ऑन 29 जनवरी 1780. इट वॉज नेम्ड एज कैलकटा जनरल एडवर्टाइज़र और इट वॉज नेम्ड एज कैलकटा जनरल एडवर्टाइज़र और बंगाल गैजेट. एंड जेम्स ऑगस्टस हिक्के एंड इरिश जेंटलमैन स्टार्टेड दिस. तो भारत में सबसे पहला अंग्रेजी समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था और इसे बंगाल गैजेट के नाम से जाना जाता है. जेम्स ऑगस्टस हिक्के ये इसके संपादक थे प्रकाशक थे. सो दिस इज़ अबाउट आवर बंगाल गैजेट दैट हैज़ बीन गेट कम्प्लीटेड. नेक्स्ट वन आवर न्यूज़पेपर इज़ दर्पण. सो द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई. बालशास्त्री जांभेकर वॉज द एडिटर ऑफ द दर्पण. तो जो दर्पण समाचार पत्र है इसकी शुरुआत मुंबई में 1832 में हुई थी और बालशास्त्री जांभेकर दर्पण के संपादक थे. द न्यूज़ प्रिंटेड इन द दर्पण कैन बी रिव्यूड टू नो अबाउट वेरियस पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इवेंट्स ऑफ दोज डेज. तो उस समय के जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाएं जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दर्पण की समीक्षा की जाती थी. लाइक फॉर एग्जाम्पल द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सेकेंड वन इज द डेंजर ऑफ रशियन अटैक. थर्ड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी फॉर क्लीनलाइननेस ऑफ द सिटी. फोर्थ वन रीमैरिजेस ऑफ द हिंदू विडोज. फिफ्थ वन इज द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कैलकाता. एंड सिक्स्थ वन इज द अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड. सो द रिपोर्टिंग ऑफ सच टाइप्स ऑफ द न्यूज़ थ्रोज लाइट्स ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोज डेज. तो उस समय के कई सारे जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ऐसे प्रकार के समाचार की रिपोर्टिंग हमें उस मतलब उस समय की ऐतिहासिक घटना जो है उस पर प्रकाश डालती है.
बाल शास्त्री जांभेकर इज रिफर्ड टू बी द फर्स्ट एडिटर बाय द वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग द फर्स्ट एडिटर ऑफ द मराठी न्यूजपेपर एंड हिज बर्थ डेट 6 जानेवारी इन महाराष्ट्र इज ऑब्जर्व एज पत्रकार दिन मीन्स जर्नलिस्ट डे। तो बाल शास्त्री जांभेकर जो है इन्हें मराठी न्यूज़पेपर का सबसे पहला जो प्रकाशक है उन्हें माना जाता है और इसी कारण महाराष्ट्र में उनका जन्मदिन 6 जानेवारी इसे पत्रकार दिन या जर्नलिस्ट डे के नाम से मनाया जाता है। सो दिस इज अबाउट अवर न्यूज़पेपर दर्पण विच हैज़ बीन गेट कम्प्लीटेड। नेक्स्ट वन न्यूज़पेपर इज प्रभाकर। द न्यूज़पेपर प्रभाकर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द षटपत्रे द लेटर्स बाय द लोकहितवाड़ी गोपाल अरे देशमुख एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेर पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर। तो प्रभाकर ये समाचार पत्र की शुरुआत किन्होंने शुरू की थी? भाऊ महाजन ने। और फ्रेंच क्रांति और जो मतलब षटपत्र है इन सब ने सामाजिक जो जागरूकता है लोगों के बीच में ये पैदा की थी, जिसके कारण मतलब ये सब होने के कारण इस सब की जागरूकता इस न्यूज़पेपर के थ्रू मतलब प्रकाशित की जाती थी प्रभाकर के द्वारा। सो दिस इज़ अबाउट अवर द पॉइंट प्रभाकर न्यूज़पेपर दैट हैज़ बीन गेट कम्प्लीटेड। नेक्स्ट वन इज ज्ञानोदय। सो ज्ञानोदय प्रिंटेड मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851। द हॉनर ऑफ प्रिंटिंग द हॉनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इल्यूस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन न्यूज़पेपर गोज टू ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय ने एशिया का मैप निर्माण किया था 1842 में और यूरोप का मैप 1851 में निर्माण किया था। द न्यूज़ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द रेलवेज इन इंडिया वॉज ऑल्सो प्रिंटेड इन दिस न्यूज़पेपर ज्ञानोदय अंडर द टाइटल चाक्या मसोबा मीनिंग मसोबा विथ व्हील्स। ऑल्सो द न्यूज़ ऑफ इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज प्रिंटेड इन दिस न्यूज़पेपर। तो भारत में सबसे पहली जो रेलवे शुरू हुई थी इसके बारे में जो जानकारी है जो न्यूज़ है वो ज्ञानोदय में प्रकाशित की गई थी। किस टाइटल के अंदर? चाक्या मसोबा टाइटल के साथ। और इसी कारण बाद में जो 1857 का जो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 का इसकी भी जानकारी हमें ज्ञानोदय के थ्रू प्राप्त होती है। सो न्यूज़पेपर्स इन दोज टाइम्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। अ न्यूज़पेपर नेम्ड इंदु प्रकाश एम्ड एट क्रिएटिंग द मीन्स एम्ड एट क्रिएटिंग एंड सपोर्टेड द हिंदू विडो रीमैरिजेस इन द बिग वे। तो समाचार पत्र जो है उस समय के वो बहुत महत्वपूर्ण थे जानकारियाँ प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए। और इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र ने विधवा पुनर्विवाह को बड़े पैमाने पर समर्थित किया था। दीन बंधु अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी बहुजन समाज वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुलेस क्लोज एसोसिएट गोपाल महात्मा ज्योतिराव फुलेस क्लोज एसोसिएट कृष्णाराव भालेकर एंड इट ऑल्सो मीन्स वी कैन ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द इशूज रिलेटिंग टू द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो दीन बंधु ये भारतीय समाज की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला समाचार पत्र है बहुजन समाज। इसके बारे में मतलब इसकी जो शुरुआत थी किन्होंने की थी? कृष्णाराव भालेकर ने। और हमें भारतीय जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में इसी ज्ञानोदय न्यूज़पेपर थ्रू सॉरी ज्ञानोदय ने दीन बंधु न्यूज़पेपर थ्रू जानकारियाँ प्राप्त होती है। सो दिस इज़ अबाउट अवर पॉइंट ज्ञानोदय विच इज़ हैज बीन गेट कम्प्लीटेड। सो अवर नेक्स्ट वन पॉइंट इज केसरी एंड मराठा। केसरी एंड मराठा द टू न्यूज़पेपर्स आर इंडिकेटिव ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर बिफोर इंडिपेंडेंस। गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक हैज स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर इन 1881। तो गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने इन समाचार पत्रों की शुरुआत 1881 में की थी। दिस स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ दैट पीरियड। तो उस समय की सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं जो है ये इनके द्वारा प्रदान मतलब जानकारियाँ ये प्रदान करते थे। एंड ऑल्सो केसरी बिगेन टू पब्लिश द आर्टिकल्स अबाउट द नेशन वाइड सिचुएशंस books in the native languages and also the politics in the England. So in the 21st century newspapers have continued to fulfill an important role and it was acknowledged as the fourth column of the Indian democracy. तो समाचार पत्र ने हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अब तक और अभी भी निभा रही है और इसीलिए उन्हें भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ चौथा हिस्सा माना जाता है। सो दिस इज़ अबाउट अवर द केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर विच हैज़ बीन ऑल्सो गेट
completed. So almost our the second one point, that is history of mass media, has been get completed. So this is about our the chapter mass media and history. More 3 points are included in it. We shall learn it in the next video. Jai Hind. Thank you.